महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने आयुक्त कार्यालय पर झंडारोहण किया। तत्पश्चात आयुक्त सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर के अलावा आईजी जयनारायण सिंह, अपर आयुक्त अजय कांत सैनी सहित अन्य मंडल स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे तथा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण अर्पित कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किया। इस अवसर पर मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने मौजूद लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद करने के लिए शपथ दिलाई। इस मौके पर मंडलायुक्त ने कहा कि मंडल के विकास में और गति को बढ़ाया जाए, इसके लिए सभी को मंथन करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जैसे महात्मा गांधी ने अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा से देश को आज़ादी दिलाई, उसी प्रकार सभी अधिकारी प्रतिज्ञा करें कि वे अपने कार्यों को पूर्ण करके मंडल में लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाएंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षा व स्वास्थ्य विभाग को बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करना है, लोगों को बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए लगातार कार्य करना है। इस दौरान मंडलायुक्त ने जल संरक्षण, किसानों की आय को दुगना करने पर बल दिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा, मेरे राम।
स्वच्छता के आदर्शों का पालन कर रही है, तो बहुत आगे ही बढ़ा उनके पर चिन्हों पर चल करके। तो गांधी को जहां दुनिया मान रही है, दुनिया पूज रही है, वहां हमें किसी भी प्रकार का उनके विषय में सवाल उठाने का कोई मतलब नहीं रह जाता। सवाल वही लोग उठाते हैं जो गांधी को अच्छी तरह से जानते नहीं। अभी जैसा कि पंचायत राज के डिप्टी डायरेक्टर साहब कह रहे थे कि पहले बचपन में ऐसा लगता था, एक पत्र में पढ़ रहा था, मिला था कहीं समाचार पत्र में, वो सुभाष चंद्र बोस का पत्र था जो गांधी जी के नाम उन्होंने लिखा था कभी, और केवल उनका यही था, उन्होंने लिखा था कि बापू आप जिस रास्ते पर चल करके देश को स्वतंत्र कराना चाहते हैं उस रास्ते पर चल करके अंग्रेज भारत को स्वतंत्रता देने वाले नहीं है। तो ये विचारधारा का फर्क था केवल, और सिद्धांतों का फर्क कहीं नहीं था। तो गांधी की विचारधारा हमारे लिए हमेशा प्रासंगिक रहेगी। सत्य अहिंसा का जो अभिनव प्रयोग उन्होंने किया वो हमारे लिए हमेशा मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा। मैं भारत का सच्चा एवं जिम्मेदार नागरिक होने के नाते प्लास्टिक का प्रदूषण से भारत भूमि को मुक्त करने के लिए यह शपथ लेता हूँ कि खरीदारी करते समय अपने स्वयं के कपड़े का थैला या बैग का उपयोग करूँगा। खरीदे गए सामान के लिए दुकानदार से या किसी अन्य से प्लास्टिक के बैग की मांग नहीं करूंगा। मैं भोजन के लिए पुनः उपयोग में लाई जा सकने वाली क्रॉकरी का प्रयोग करूंगा एवं सिंगल उपयोग के प्लास्टिक का बहिष्कार करूंगा। पानी के लिए भी पुनः उपयोग कर सकने वाली कांच या स्टील आदि की बोतल का ही उपयोग करूंगा। अपने देश के सभी प्राकृतिक संसाधनों जैसे नदियों, तालाबों, झीलों व समुद्रों आदि में किसी को भी प्लास्टिक सहित अन्य कचरे आदि को नहीं फेंकूंगा और ना ही किसी अन्य को फेंकने दूंगा। अपने समाज, अपने घर, विद्यालय कार्यस्थल पर किसी भी उत्सव के दौरान गिलास आदि का बहिष्कार करूंगा एवं ऐसे उत्सवों में पुनः उपयोग की जा सकने वाली क्रॉकरी के उपयोग को बढ़ावा दूंगा। मैं यह भी शपथ लेता हूं कि मैं सप्ताह में एक दिन कम से कम 10 लोगों को प्लास्टिक प्रदूषण की जानकारी दूंगा और उनको भी सिंगल यूज प्लास्टिक के बहिष्कार एवं कपड़े के थैले के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करूंगा। धन्यवाद। जैसा कि आपको विदित है कि देश के अन्य राज्यों और अन्य जनपदों की तरह गोरखपुर मंडल में भी महात्मा गांधी जी की 191वीं जयंती आज मनाई जा रही है। उनके जन्म के 150 साल पूर्ण हो चुके हैं। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था और आज उसी की जयंती का हम पर्व रूप में मना रहे हैं। आशा है कि महात्मा गांधी के जो सिद्धांत थे, जिन सिद्धांतों पर वो लड़े और उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, प्रमुखतया सत्य अहिंसा, इन दो पर हमारा जो जनमानस है उस पर बल देगा और अपनी समस्याओं के समाधान हेतु इन दो सिद्धांतों को लेते हुए आगे बढ़ेगा, यही कामना है। सबको पुनः मेरी तरफ से शुभकामनाएँ एवं बधाई। जय हिंद। स्वच्छता अभियान भी चलाया जा रहा है। देखिए, स्वच्छता अभियान यदि आप
स्वच्छता अभियान के बहुत सारे अंग हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, डायमेंशन हैं। स्वच्छता अभियान जब 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई थी तब से चला, और अब जो इसका स्वच्छता सेवा का जो एस्पेक्ट शुरू हुआ है उसमें आज से सिंगल यूज़ प्लास्टिक का बहिष्कार, पॉलीथीन से निर्मित जितनी वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार और उनका वर्जन, ये अब प्रमुखतया हैं। इसके साथ साथ जो स्वच्छता में शौचालयों का निर्माण हुआ है और उनका पूर्ण उपयोग होना, उनका मेंटेनेंस होना भी चल रहा है, और जितने लोग वंचित अभी तक रह गए हैं उनके भी शौचालयों का निर्माण करना और शौचालय का पूर्ण यूज़ करना ये भी एक अभिन्न अंग रहेगा। उसके साथ साथ नगरीय अंचलों में, ग्रामीण अंचलों में सफाई और हमारे जो जलाशय हैं, वो चाहे तालाब हो चाहे नदियां हो, उनमें जो एक गंदा पानी जा रहा है, कोई भी प्रकार का पॉल्यूशन हो रहा है, उसको दूर करना, ये सभी अंग हैं और इसी सभी ओर काम किया जा रहा है। विभिन्न मिनिस्ट्रीज़, विभिन्न विभाग काम कर रहे हैं। तो स्वच्छता सेवा जो अभी आयोजन चल रहा है और कल हम लोगों ने इसकी शपथ भी दिलाई है, आज हम प्रमुखतया सिंगल यूज़ प्लास्टिक का बैन और पॉलीथीन से निर्मित वस्तुओं का बहिष्कार की अपील सभी से करेंगे, और आशा है कि आपके माध्यम से ये अपील प्रत्येक जनमानस तक पहुँचेगी। धन्यवाद।